दोस्तों, रियलमी, ओप्पो या फिर वन प्लस डिवाइस के लिए और एक नया सिस्टम लॉन्चर आ चुका है। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। आपको शायद पता ही होगा कि वन प्लस डिवाइस में नया अपडेट के बाद जो कंट्रोल सेंटर है या फिर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी चेंज हो चुका है। क्या ये सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल चेंज होता है या फिर नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ कौन सा न्यू फीचर्स आया है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो यार चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग के तरफ। दोस्तों, ये जो सिस्टम लॉन्चर है ये वन प्लस डिवाइस का सिस्टम लॉन्चर है, लेकिन अगर आपके पास ओप्पो या फिर रियलमी का किसी भी डिवाइस है जहाँ पे एंड्रॉयड 14 इंस्टॉल है, आसानी से ये सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास एक रियलमी का डिवाइस है, रियलमी 12 प्रो प्लस है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पे गाइस देखिए, ये जो सिस्टम लॉन्चर है इसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका वर्सन है 14.1.9, लेटेस्ट वर्सन है वन प्लस का एपीके है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं इस वीडियो में आपको लाइव इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा क्या कुछ आपको करना होगा। सिंपली गाइस यहाँ पे देख लीजिए, वन प्लस का जो सिस्टम लॉन्चर है इसको आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसमें क्लिक करना है। मेरा डिवाइस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने 2 दिन पहले इसको इंस्टॉल किया था। इसमें कुछ बग है या फिर नहीं उसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको 2 दिन पहले इंस्टॉल किया था। 2 दिन मैंने यूज किया, मुझे एक भी बग यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। आप बहुत ही आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखिए, मैं अपडेट ऑप्शन में क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आप सक्सेसफुली अपडेट भी होने वाला है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ऐप सक्सेसफुली अपडेट भी हो चुका है। यहाँ पे डन का ऑप्शन आज आ चुका है। बहुत सारे यूजर कमेंट करता है कि मेरा डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। दोस्तों देखिए, ये ओनली फॉर एंड्रॉयड 14 इंस्टॉल डिवाइस के लिए है। अगर आपका डिवाइस में एंड्रॉयड 13 इंस्टॉल है तो आप इसको ट्राई मत करना, आपका डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होगा, ओनली फॉर एंड्रॉयड 14। दोस्तों देखिए, सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद मैं फिलहाल आपको और एक बार दिखा देता हूँ मेरे पास जो सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल है उसका वर्सन कौन सा है। तो इसके लिए फिलहाल पे चलते हैं सेटिंग, फिर ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे 3 डॉट, यहाँ पे सिंपली आपको सर्च बार में सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर। फिलहाल देखिए यहाँ पे वन प्लस का लोगो है, आप साइड पे देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर आ चुका है और इसका वर्सन भी आप देख लीजिए 14.1.9। मैंने अभी जो सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल किया वही है मेरा डिवाइस में। अगर आपका डिवाइस में सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद कुछ दिक्कत आता है, कुछ बग आता है, कुछ अगर हैंग वगैरह होता है तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर लेना। यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन है, सिंपली 3 डॉट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। वीडियो को देखते रहिए, इसके साथ कौन सा न्यू फीचर्स आया है वो भी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों चलते हैं सबसे पहला न्यू फीचर्स की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद आपका रियलमी या फिर ओप्पो डिवाइस में, वो है ऐप ड्रॉयर में। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो ऐप ड्रॉयर का पीछे का जो बैकग्राउंड इफेक्ट है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पे वन प्लस 11R या फिर 12R सीरीज में जो अपडेट आया है कुछ इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। पहले का इतना ज्यादा ब्लर इफेक्ट नहीं था, लेकिन सिस्टम लॉन्चर को आप जैसे ही अपडेट करते हो उसमें आपको ब्लर इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप नीचे का जो ब्लर इफेक्ट है वो आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको इनविजिबल लाइन भी देखने को मिल जाएगा। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। नीचे में देखिए जो एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इनविजिबल हो रहा है और उसके ऊपर से ऐप आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। उसके साथ साथ साइट का जो टेक्स्ट है वहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। टेक्स्ट का जो पीछे का जो ब्लर इफेक्ट है ब्लैक कलर का, वहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्लैक अभी देखने को मिल रहा है और इसका जो लुक है ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यू फीचर्स की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा फोल्डर के अंदर। जो सिंक फोल्डर या फिर इनलाइज फोल्डर होता है वहाँ पे गाइज पहले देखिए कुछ इसी तरह एप्लीकेशन साइड बाय साइड देखने को मिलते, लेकिन अभी सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद देखिए जो 4 एप्लीकेशन है एक साथ देखने को मिलेगा और इसको क्लिक करने के बाद सभी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये फीचर्स आपको न्यूली देखने को मिलेगा सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद। देख लीजिए 4 एप्लीकेशन आपको एक साथ देखने को मिलेगा। सिंपली मैं राइट स्वाइप किया, यहाँ पे भी देख लीजिए आपको 4 एप्लीकेशन एक साथ देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करने के बाद सभी एप्लीकेशन एक साथ में ओपन हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स है जो आपको इस सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद देखने को मिलेगा। तो आपको ये फीचर्स मिला या फिर नहीं आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बताना। दोस्तों नेक्स्ट डे सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करने के बाद ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग का जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव हो चुका है, बिल्कुल आपको वन प्लस ट्वेल्व आर जैसे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लुक दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, सेटिंग को ओपन किया या फिर सेटिंग को क्लोज किया, इसका भी एनिमेशन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट न्यू फीचर्स की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा सेटिंग में। सिंपली आपको सेटिंग को ऑन करना है, यहाँ पे सर्च बार आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है स्क्रीन लॉक। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैं स्क्रीन लॉक को सर्च किया, सर्च करने के बाद आप स्क्रीन लॉक ऑप्शन में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पैटर्न वगैरह है उसको डाल देना है। अगर आपका डिवाइस में पैटर्न लॉक सिलेक्टेड है तो आपको ये फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर आपका डिवाइस में नंबर या फिर अल्फाबेट सिलेक्ट है तो ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आपको पैटर्न को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में देखिए आपको एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा शो लॉक। इसको अगर आप इनेबल करते हो तो आपका डिवाइस में जो पैटर्न आप जो भी यूज करते हो उसका साइन या फिर जो रो है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए कुछ इसी तरह रो देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो फीचर्स है इसको आप अगर डिसेबल करते हो जो सेटिंग का जो रो है पैटर्न का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे इनविजिबल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपका डिवाइस में पैटर्न के साथ आया है। तो आप पैटर्न अगर यूज करते हो तो इसको आप जरूर इस बार डिसेबल करके रखना, आपका जो पैटर्न दूसरा किसी भी यूजर वो नहीं देख पाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप जरूर इसको इनेबल करके देख लेना। दोस्तों अभी फिलहाल देख लेते हैं ये जो सिस्टम लॉन्चर है इसको अपडेट करने के बाद क्या Realme डिवाइस में आपको नया वाला कंट्रोल सेंटर या फिर नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा जो OnePlus डिवाइस में आ चुका है। मैं सिस्टम लॉन्चर को अपडेट किया लेकिन सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करने के बाद भी मेरा डिवाइस में कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं हुआ है। जो नया वाला कंट्रोल सेंटर या फिर नोटिफिकेशन पैनल सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस में चेंज नहीं होगा, वो ओनली फॉर OTK अपडेट या फिर जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको आने के बाद चेंज होगा। जो Realme का GT2 Pro डिवाइस में ऑलरेडी आ चुका है और वहां पे चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका डिवाइस में Android 14 है, Android 15 आने वाला है तो आपका डिवाइस में कंट्रोल सेंटर 100% चेंज हो जाएगा, OTK के थ्रू अपडेट आएगा। जो न्यू कंट्रोल सेंटर है आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस बार या फिर जो वॉल्यूम बार आपको साइड में रो देखने को मिलेगा। ये Realme GT2 Pro डिवाइस या फिर OnePlus 12R 11R में कुछ इसी तरह आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल है इसका भी आप लुक यहाँ पे देख सकते हो, वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो बहुत ही जल्द ये अपडेट आने वाला है जहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर चेंज देखने को। लेकिन आप सिस्टम लॉन्चर को अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ भी बग देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, एनिमेशन में आपको बहुत ज़्यादा अपडेटेड देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ऐप ड्रॉअर में आपको ब्लर इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐप या फिर सिंक फोल्डर या फिर इनलार्ज फोल्डर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो आप सिस्टम लॉन्चर को जरूर अपडेट कर सकते हो। इसको अपडेट करने के लिए सिंपली आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे आपको इस सिस्टम लॉन्चर का लिंक मिल जाएगा। तो या जाओ फटाफट इसको अपडेट कर लेना आपका डिवाइस में। तो ये आज का वीडियो इतना ही था, शायद आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को आप जरूर लाइक करके चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर एक रोज इसी चैनल में मिलता है। तो गाइस जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार मिलते रहना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।